हेलो गाइस, आज की वीडियो में बताऊंगा अगर आपको भी नवी ऐप में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप लोन के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं तो यहाँ पे लिखा था सॉरी वी कुड नॉट अप्रूव योर लोन, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए और इसका रीज़न क्या होता है, आखिरकार क्यों आपका जो लोन है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। आज की वीडियो में ये सब बताऊँगा, इसका रीज़न सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल बेरोजगार इंजीनियर को सब्सक्राइब करें ऐसी नई नई इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। दरअसल मुझे भी ये प्रॉब्लम आ रही थी हाल ही में जब मैंने लोन के लिए रिक्वेस्ट डाली थी। तो सबसे पहले इसके रीज़न डिस्कस कर लेते। जब मैंने उनकी टीम के साथ कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने मुझे क्या रीज़न बताया कि मेरा लोन वो रिजेक्ट हो गया। तो अगर आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है वो बहुत ज़्यादा कम है तो भी आपका जो लोन है रिजेक्ट हो जाता है, और अगर आपका डेब्ट टू इनकम रेशो होती है, कर्जे की रेशो है वो इनकम से ज़्यादा है तो भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो और अगर आप बार बार उधार ले रहे हो, बार बार एक ही अकाउंट से बार बार उधार ले रहे हो तो वो भी आपकी वो ट्रांजैक्शन देखती है, तो इसके कारण ये प्रॉब्लम को जो आपकी जो लोन की रिक्वेस्ट है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और आपको ये जो इनकम चेक कर दी जाती है आपके अकाउंट से कि आपकी इनकम क्या हो रही है, तो ये आपकी जो अकाउंट है उसका वो पूरा डाटा चेक करते हैं, आपकी लास्ट ट्रांजैक्शन कैसी है ये सब वो चेक करते हैं, तो इस कारण ये प्रॉब्लम आती है। और आपको जो भी उनको जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो चेक कर लेनी है और उस हिसाब से आपको अकाउंट का इंफॉर्मेशन देनी है जिससे आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट हो जाए और आपकी जो लोन की रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट हो पाए। तो होप करता हूँ कि आपकी सारी क्वेरी सॉल्व होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करें।